नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करें, क्या साइंस हैं जो आपको मिलते हैं जब आपका पार्टनर आपको याद करता है। बहुत लोग ये सवाल मेरे से पूछते हैं, और क्योंकि भाई यहाँ पे वीडियो जो आपको मिलेगी वो लॉजिकल मिलेगी, साइंटिफिकली प्रूवन मिलेगी, तो यहाँ पे एक्चुअली में पता लग जाएगा कि वो आपको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूं, आप थोड़े डिस्टेंस पे हो, आप रिलेशनशिप में थोड़ी मतलब ब्रेकेज आ गई है, ब्रेकअप हो गया है, ये दूर चला गया है, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन उस कंडीशन में आप कुछ चीजें कर रहे हो उसको वापस लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, विशेष को पूरा करने के लिए, और उस कंडीशन में आपको ये पता करना है कि भाई जो हम कर रहे हैं ये सामने वाले तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये सामने वाला आपके बारे में कुछ सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है, उसके अंदर क्या वाइब्रेशन अभी है आपको लेकर। तो ये सब सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जब थोड़ी अलगाव हो गई आप दोनों में, या अलगाव नहीं भी हुई, नॉर्मल है रिलेशनशिप, डजेंट मैटर, ये पता करना कि सामने वाला मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे बॉडी में कोई बीमारी होती है तो बॉडी आपका कुछ सिम्टम्स दिखाता है, और उस सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर तय कर पाता है कि कौन सी बीमारी अभी तत्काल है आपको। उसी तरीके से कुछ साइंस हैं, लेकिन उन साइंस को पढ़ना पड़ेगा। नॉट लाइक दैट कि आपने वीडियो देखी कि हाँ देखो, अगर तुम्हारे सपने में अगर वो आ गया तो इसका मतलब वो याद कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉजिक निकालना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख के अपने आप को बेवकूफ बनाए हो आप, इसीलिए मैं इस चीज को आज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि यार आप 5-10 मिनट टाइम दे रहे हो और टाइम से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। मतलब यू आर जस्ट गिविंग मी योर दैट 5-10 मिनट्स वाला लाइफ टू मी, तो मेरा ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई मतलब सही चीजें बताऊं। तो कुछ साइंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ सामने वाले के दिल दिमाग में आप चल रहे हो, आप याद आए हो, आप याद आ रहे हो। ये सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रीम को लेके, कि जब सामने वाले मतलब आपके पार्टनर को लेके आपको ड्रीम अगर आए, रात में सोने समय अगर ड्रीम आता है, या फिर मान लो उस दिन में भी कभी भी आप सोते हो और ड्रीम में वो आता है, लेकिन डजेंट मैटर ड्रीम में आता है, इससे प्रूफ नहीं होता है कि सामने वाला याद कर रहा है। ड्रीम जब आप देख लेते हो, देखने के बाद जब आप उठते हो, जब भी उठते हो, मान लो ड्रीम कभी भी देखा, देखने के बाद जब भी आपकी आंख खोली, उसके बाद आपकी खुद की वाइब्रेशन कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसने याद किया होगा या नहीं याद किया होगा। अगर ड्रीम उसकी है तो ध्यान देना, तुम बहुत समझदार हो, बहुत तेज हो, पर फिर भी मेरी बातों पर ध्यान देना। आपने ड्रीम देखा, ड्रीम देखने के बाद आपकी जब आपकी नींद खुली तो आपकी वाइब्रेशन आप लो फील कर रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो याद कर रहा है। आप मीडियम न्यूट्रल फील कर रहे हो जैसे हमेशा करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपको याद कर रहा है। आप बहुत हाई फील कर रहे हो, अमेजिंग फील कर रहे हो, इनर से हैप्पीनेस फील कर रहे हो, हाँ उसने याद किया आपको। ही वॉन्ट्स टू टेक योर वाइब्रेशन इन साइड हिम, राइट, आपके वाइब्रेशन को अब वो ले सकता है। ये हो गया पहला। दूसरा कि आपको अगर अचानक से आप कुछ काम कर रहे हो, यू आर डूइंग मतलब डे टू डे लाइफ वाला काम कर रहे हो, और सडनली आपको उसकी एक कोई भी मेमोरी फटाक से आती है दिमाग में, वो मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे ब्लश लाती है। मतलब ये नहीं कि कुछ थॉट आया मेरे दिमाग में उसको लेके और अचानक से मतलब मैं हंसने लगी, उसके बाद उसी में घुस गई, उसी को याद करने लग गई, उसी के पीछे पड़ गई, फिर उसके बाद निगेटिविटी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो दूर क्यों गया, वो पागल क्यों हो गया, उसका ऐसे क्यों हो गया, वो मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीजें अगर आती है इट मीन्स कि गलत, वापस से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इंस्टेंटली आप कुछ और कर रहे हो और सडनली कुछ अचानक से उसको रिलेटेड दिमाग में आ जाता है और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी हंसी, विदाउट एनी निगेटिविटी, विदाउट कोई सवाल मन में, कोई सवाल नहीं, बस अचानक से, अरे कैसे आ गया, अरे यार वाओ, और उसके बाद वापस अपने काम में भी लग गया, इट मींस कि वो याद कर रहा है, कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन आपकी वाली जो है वो उस तक पहुंच रही है, वो कोशिश हो रही है एक टेलीपैथी क्रिएट होने की। वो टेलीपैथी को हम थोड़ा सा, टेलीपैथी मतलब इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हो गया, लेकिन इनिशियली हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये जो सबसे मेन सपने वाला, जो ड्रीम वाला था, वो मैंने बताया। दूसरा कि अगर इंस्टेंटली आपको उसकी ऐसे फीलिंग आती है, ब्लश करते हो, इंटरनली हैप्पीनेस फील होता है विदाउट एनी निगेटिव थॉट, तो
तो इसका मतलब यार द थर्ड एंड द लास्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सारा है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें हैं जो कि प्रायोरिटी पर है, मतलब आपका जॉब है, आपका आपकी पढ़ाई है, आपके फैमिली की सेवा है, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशन तो अलग अलग होती है ना, तो हो सकता है कि कुछ प्रायोरिटी में आपके लाइफ में हो, तो वो प्रायोरिटी आपका आप काम करते हो और सडनली उसका नाम दिखता है, सडनली उसका एक उसकी शक्ल कहीं नेट पे दिख जाती है, सोशल मीडिया पे उसका नाम दिख जाता है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें दिख जाती है। लेकिन देखो कंडीशन लगाओ, दिमाग से खुद से उपजाना नहीं है, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो बिल्कुल रिमेंबर नहीं होना चाहिए। आप किसी काम में मशगूल हो एकदम खतरनाक तरीके से, आपको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, वैसे सिचुएशन में सडनली अचानक बिना पता लगे अगर उसका नाम दिख जाए, कहीं उससे रिलेटेड कोई चीजें दिख जाए जो उसको रिलेट करे और सडनली वो थॉट चला भी जाए, मतलब वो ऐसे नहीं कह रही यार उसका नाम आ गया यार मजा आ गया, ये चीज अगर कंटिन्यू रहा इट मींस कि नहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो ऐसी बात नहीं है कि वो आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर इंस्टेंटली आया, आपको एक अच्छा फील कराया और फिर निकल गया, इट मींस कि कहीं ना कहीं ये साइन है कि वो याद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, आपसे रिलेटेड थॉट उसके दिमाग में आ रहे हैं। ये अगेन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेलीपैथी में हम इसको पूरे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, पर वो एक प्रैक्टिस की चीज है। तो मेरी चंपा खली, मेरी रूपा खली, मेरी प्यारी खली, मेरी ब्यूटीफुल लड़की, जस्ट पेशेंस के साथ अगर ऐसे साइंस मिलते हैं तो इट मींस कि आपका काम बन रहा है और आप अपने मैनिफेस्टेशन के डेडिकेशन को और ज्यादा पावरफुल बना दो, उसकी वीडियो पावरफुल बना दो, ताकि ये चीज जो आप चाहते हो अपने लाइफ में वो तुरंत हो जाए। साइंटिफिकली प्रूवन विथ लॉजिक। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोज आपको यहीं पर मिलेगी गाइज। इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो, सेशन कर सकते हो, कोर्सेज ले सकते हो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए। सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडिया है। कीप मैनिफेस्टेशन, कीप मैनिफेस्टिंग। गॉड ब्लेस, टेक केयर।